हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है एक त्रिकालावादी सत्य है। आज परम पूजनीय गुरुजी के जन्म शताब्दी समारोह में देश भर में ऐसे ही विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। इसके कारण अपने देश के जो कौम अनिष्ट लोग हैं उनको बड़ी पीड़ा हो रही है और उनकी बैठक में उन्होंने कहा कि देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है। वास्तव में बड़ी अजब बात है कि ये सब लोग ऐसी परंपरा में पैदा हुए हैं जहां एकता का मतलब एक रूपता माना जाता है, सबको एक सांचे में ढालना चाहते और हम सारी दुनिया को एक करेंगे ऐसा कहकर सैकड़ों वर्षों से प्रयत्न चल रहे हैं कि सारी दुनिया को एक सांचे में ढाल दिया जाए। चौथी शताब्दी में दुनिया के विभिन्न देशों को उन्होंने रोमन साम्राज्य के कब्जे में लाया। उसके बाद सातवीं शताब्दी से जिहादी इस्लाम ने भी सारी दुनिया के अंदर इस्लामी साम्राज्य का प्रयास किया और इन दोनों ने यह प्रयत्न किया कि कोई राष्ट्र वाष्ट्र की सीमा न रहे, इन सारी सीमाओं को मिटा करके गॉड या अल्लाह का साम्राज्य सारी दुनिया में स्थापित किया जाए। बीसवीं सदी में कॉम्युनिस्टों ने अपनी निरीह भौतिकवादी विचारधारा के अंतर्गत दुनिया भर के लोगों को लाने का प्रयत्न किया और आज अमेरिका अपनी भोगवादी और व्यक्तिवादी सभ्यता को हमारे ऊपर लादने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन इतने सारे प्रयत्न सारी दुनिया को एक सांचे ढालने में के हुए, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना तो नष्ट नहीं हुई। राष्ट्रीयता के आधार पर ये सारी विचारधाराएं ही बट गई। अगर सारी दुनिया के ईसाई एक हैं, इसे भिन्न भिन्न चर्च क्यों स्थापित हुए? इस्लाम ने कहा कि सारी दुनिया के मुसलमान भाई हैं और ऐसा सोच करके सारी दुनिया को इस्लामी साम्राज्य के अंतर लाने का प्रयत्न किया। लेकिन सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, ये सारी इस्लामी देश और अपनी अपनी राष्ट्रीयता के आधार पर ही इस्लाम की एक अलग रूप निर्धारित कर लिया। उसी प्रकार से सोवियत रूस ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और कहा मॉस्को ये सारी दुनिया की राजधानी बनेगी। लेकिन चीन, युगोस्लाविया, हंगरी, जेकोस्लोवाकिया, बल्गेरिया, इन सब लोगों ने सोवियत रूस का जुआ उखाड़ करके क्यों फेंक दिया? इसका कारण यह है कि राष्ट्र जो है ये कोई राजनीतिक अवधारणा नहीं है, यह एक सांस्कृतिक अवधारणा है जिसका आधार है एक सुपरिभाषित भूभाग, उस भूभाग के साथ जुड़ा हुआ रागात्मक भावात्मक संबंध। लेकिन भारत और भारत से प्रेरणा लेकर के चलने वाले जितने भी एशिया के देश हैं वो अपनी भूमि को मातृभूमि कहते हैं और ये मानते हैं कि इस देश में रहने वाले, एक माता को मान करके चलने वाले, ये सबके सब एक भाई हैं, हमारा एक बृहत परिवार है, हमारे हित संबंध समान हैं, हमारी परंपराएं समान हैं, सुख दुख की अनुभूतियां भी समान है। ऐसा समूच उस भाग भूभाग में राष्ट्र की संज्ञा को प्राप्त होता है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जर्मनी का विभाजन हो गया, इतना पुराना जर्मनी राष्ट्र और यह आज दो राज्यों में बट गया और इसलिए हमको अपनी पितृभूमि को एक करना चाहिए और यह भावना इतनी प्रबल थी कि अंत में दोनों जर्मनों का एकीकरण हो गया। इसी प्रकार से राजनीतिक सत्ताओं ने वियतनाम को भी उत्तर वियतनाम दक्षिण वियतनाम में बांट दिया था, लेकिन वो दोनों भी मिलकर के एक और वियतनाम बन गए। इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ताओं ने हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में विभाजन किया हुआ है। हम सबकी भावना प्रबल रही कि नहीं, अखंड भारत होकर के रहेगा तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि हिंदुस्तान अखंड भारत होगा और ये सब के सब जो है वो हमारे पास फिर से आ जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर और हम एक ऐसा राष्ट्र स्थापित करेंगे जहां इतनी सारी विविधता होते हुए भी हम एक हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई यहां पर भाषाएं अनेक हैं लेकिन सब भाषाओं में एक ही भाव है, इसलिए हिंदुस्तान में हम किसी भी प्रांत में चले जाएं वहां पर सभी प्रांतों के लोग मिल जाते हैं और सबकी भावधारा एक होने के कारण, सबके जीवनादर्श एक होने के कारण हम सब लोग अनुभव करते हैं कि हम एक हैं। तो विविधता में एकता, ये हमारे यहां का सिद्धांत है और इसलिए इसका एक ही आधार है कि भारत माता हमारी माता है, हम इसकी संतानें हैं, इसलिए सब आपस में भाई भाई हैं, हमारे पुरखे एक हैं और हमारी संस्कृति एक है जो कहती है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसको विद्वान अलग अलग नामों से पुकारते हैं और वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, यह बात हमको मिलती है अभी। और इस प्रकार हमारा जो वैदिक ज्ञान है यही वास्तव में विश्व की सब प्रकार से रक्षा कर सकता है, लेकिन हमारा जो ज्ञान है इसको सुनेगा कौन? आप अगर कमजोर रहेंगे
तो कोई आपको सुनेगा नहीं। हनुमान जी भी अपने आप को भूल गए थे। जामवंत ने कहा यहां से वहां जा तो सकता हूं लेकिन बूढ़ा हो गया हूं, पता नहीं वापिस आ पाऊंगा कि नहीं, शंका है उसमें। तब कहा और हनुमान कहां है? पुणे में बैठे थे तो गए। अरे हनुमान तुम यहां बैठे हो और सब लोग कह रहे हैं कि वहां तुमको जाना है। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं? बोले क्यों? बोले मैं तो बंदर हूं। मैं क्या कर सकता हूं? अरे बंदर, तू बंदर है क्या? अरे तू पवन पुत्र है, जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन उछला था सूरज को निगलने के लिए। सारी दुनिया में त्राही त्राही मच गई कि अगर सूरज को निगल लेगा तो क्या होगा। तो इंद्र ने अपना वज्र फेंक करके मारा, उसको भी तूने अपने और ठुड्डी के ऊपर ग्रहण कर लिया, इसलिए तेरी ठुड्डी थोड़ी टेढ़ी हो गई। हर तो पवन का पुत्र है, इतना पराक्रमी है। ऐसा करके जब उनकी बिरदावली गाने लगे तो ये भी होने का, अच्छा मैं ऐसा हूं क्या, अच्छा मैं ऐसा हूं। और धरत भूधराकार शरीरा, एकदम इतना बड़ा शरीर हुआ और कहा राम काज की जय बिना मोहि कहां विश्राम, और जाकर के सारी लंका को जला करके आ गए। अपने हिंदू समाज का हनुमान भी ऐसी अपने आप को भूला हुआ है, अपनी शक्ति को भूला हुआ है। सभी अपने और आचार्यों ने इसकी याद दिलाई है कि अपनी शक्ति को पहचानो। आज के समय में जनतंत्र में वोट आपकी शक्ति है, इस शक्ति को पहचानो। और इसलिए आवश्यक है कि हम अपने को पहचानें, हम अपने को ही पहचाने। आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, अरे पड़ी हुई झूठी शिकार को सिंह नहीं जाते हैं खाने। एक हाथ में सृजन दूसरे में प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते हम अंधियारे में जलते हैं। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्र सिंधु का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द पावर